हेलो स्टूडेंट्स, ई पाठशाला के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं अंजनी आज से आप लोगों को क्लास 6 to 8 की हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। जैसे कि आपको विजय सर ने बताया होगा कि हम नए टीचर्स के साथ नई वीडियोस लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का नाम है वॉट वेयर हाउ एंड वेन, जिसका मतलब है क्या कब कहाँ और कैसे। चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर हमें अपने कल परसों या उससे पहले वाले दिन के बारे में कुछ भी पता करना हो या नॉर्मली 1 महीने पहले भी, तो हम नॉर्मली रेडियो टेलीविज़न या न्यूज़पेपर से पता कर सकते हैं कि उस समय पे क्या हुआ था। लेकिन हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हज़ारों साल पहले हमारे पास्ट में क्या हुआ था। तो आज हम इस चैप्टर में इसी बारे में पढ़ेंगे कि हमारे इतिहास में क्या हुआ था हमारे साथ। हमारा फर्स्ट टॉपिक है वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, यानी कि हमारे पास्ट के बारे में हम क्या क्या पता कर सकते हैं। हमारे पास्ट के बारे में हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं, जैसे कि वो लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे और कैसे रहते थे, तथा उस समय पर बच्चे क्या क्या गेम्स खेला करते थे, उस समय के लोग क्या कौन से गाने गाया करते थे, तथा कौन सी स्टोरीज, यानी जैसे इस समय पे पंचतंत्र जैसी स्टोरीज या फिर नॉर्मली कोई सी भी कहानियाँ हम सुनते हैं, तो उस समय पे कौन कौन सी कहानियाँ मशहूर थी जो एक दूसरे को लोग सुनाया करते थे या एक दूसरे से सुना करते थे। हमारा सेकेंड टॉपिक है वेयर डिड पीपल लिव, जिसका मतलब कि लोग कहाँ रहते थे। ऐसा माना जाता है कि हज़ारों साल पहले लोग नर्मदा नदी के किनारे पर बसे हुए थे और वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। कैसे? वहाँ पे वहाँ के आसपास के जानवरों को हंट करके, यानी उनका शिकार करके, तथा तो जंगलों से फ्रूट्स रूट्स कलेक्ट करके, उन सभी का यूज़ करके अपना जीवन व्यतीत क्या करते थे। वैसे तो बहुत सारी ऐसी जगह होंगी आज के टाइम पे और पहले के टाइम पे भी जहाँ पे लोगों ने खेती करना शुरू किया, लेकिन हम पहले ये पढ़ेंगे कि सबसे पहले खेती कहाँ पर की गई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दो घाटी, यानी दो ऐसी घाटी जहाँ पर सबसे पहले क्रॉप्स उगाई गई। पहले हमारे सुलेमान, दूसरी केथे हिल्स। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि 8,000 साल पहले लोगों ने सबसे पहले वीट और बार्ली यहाँ पे उगाई, तथा वहाँ पे लोगों ने अपने लिए पशु पालने भी शुरू किए। पशु पालने यानी कि एज अ पेट या फिर अपने यूज़ के लिए उन्हें रखा, जैसे वो जानवर थे जैसे कि शीप, गॉट, कैटल, और वहाँ पे गांव बसाने भी शुरू किया। अब दूसरी हमारी एक और लोकेशन है गोरा हिल्स, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास, जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया में है। मैं आप लोगों को मैप में भी दिखा दूँ, ये रहा हमारा कैथे हिल, ये रहा हमारा सुलेमान हिल, ये हमारे इंडस, और ये रहा हमारा गोरा हिल्स। इसमें दो चीज़ें और मैं दिखाना चाहूँगी। ये हमारे विंडस, जिसके बारे में हमें पढ़ेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था और कौन सी खेती की गई थी यहाँ पे, कौन से क्रॉप्स उगाए गए थे। और एक हमने भी जो नर्मदा नदी के पानी पड़ा, ये हमारी नर्मदा नदी। तो मैं आपको बता दूँ विंडस में क्या हुआ था, जो कि हमारा नॉर्थ में विंडस में सबसे पहले राइस यानी कि पेडी, उसकी खेती की गई। लगभग 4700 ईयर्स अगो गंगा नदी के किनारे पे गांव या नगर बसने शुरू हो गए, जिसे कि सबसे पहले वहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहला साम्राज्य मगधा, इंग्लिश में जिसे मगधा कहते हैं और हिंदी में मगध, जो कि बिहार में आप सभी को पता है कहाँ पे, और ये सबसे बड़ा उस समय का सबसे बड़ा किंगडम माना जाता है, यानी सबसे बड़ा साम्राज्य उस समय का माना जाता है। और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे उस समय पे, इस टाइम पे तो नॉर्मली लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, घूमने के लिए, उस जगह के बारे में जानने के लिए जाया करते हैं। लेकिन उस समय पे लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे, हम इस बारे में पढ़ेंगे अभी। पहले के समय पर तो मैं आपको बता दूँ कि एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि उस समय ये गाड़ी और ट्रेन, बस, एरोप्लेन ये सब तो नहीं होते थे। तो नॉर्मली लोगों को बहुत डेंजरस वाले एरिया से या फिर डेंजरस रोड से होके जाना पड़ता था। उनकी जर्नी उस समय बहुत ही डेंजरस हुआ करती थी, जैसे कि अब हिमालय पर चढ़ना या फिर एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू जाना, इस टाइम पे तो बोट है, लेकिन उस टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं होता था ना। और लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, वो देखा जाए तो अपने लाइवहुड के लिए, अपने लाइवहुड के लिए, यानी कि वो लोग अच्छी तरह से रह पाए, ऐसी जगह को ढूंढने के लिए जाया करते थे। या फिर मान लो कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, जैसे फ्लड, ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ जाना, या बाढ़ आ जाना अचानक से, इन सब चीज़ों की वजह से, या फिर आर्मी की मार्चिंग की वजह से, मतलब कि अगर मान लो किसी और देश के राजा ने उनके ऊपर हमला करवा दिया तो उस जगह पे वो लोग कब्जा कर लेंगे, तो इस वजह से लोग उनसे बचने के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।